हेलो दोस्तों, आपका राणा क्लास में स्वागत है। तो आज मैं आपको लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो कि ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे जेपीएससी मेंस में, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, पोस्ट कोड में आर का क्रियात्मक अर्थ क्या होता है? तो आर क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग होता है, तो इसी के लिए रिपोर्ट देना हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा। लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, यह विचार किस विद्वान का है? तो ये विचार किसका है? बी फाइनर का है। उसके बाद तीसरा में आते हैं, प्रशासन अब एक इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन दर्शन जीवन का दर्शन बनाने के करीब आ गया, यह कथन किसका है? तो यह कथन एम ई डिमॉक का है। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई खाली सी जगह छोड़ता, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी है एच फाइनर का है। उसके बाद पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्रशासन सरकार का आधार है, कोई भी सरकार प्रशासन के बिना कायम नहीं रह सकती, प्रशासन के बिना अगर यह अस्तित्व में रह भी पाती है तो यह एक विचार विमर्श बन जाएगी, यह कथन किसका है? तो किसका है? पॉल एच एपेलवी द नंबर है गया। उसके बाद मैक्स वेबर के अनुसार प्रशासन का अर्थ क्या है? तो मैक्स वेबर के अनुसार प्रशासन का अर्थ बी नंबर हो जाएगा, प्रभुत्व है। लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक का विशिष्ट अर्थ क्या है? तो लोक का विशिष्ट अर्थ क्या हो जाएगा? सरकारी हो जाएगा। उसके बाद लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है, यह कथन किनका है? तो ब नंबर हो जाएगा, एलडी व्हाइट का है। नौवा नंबर देखते हैं, सरलता शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रशासन एक चेतनापूर्ण ध्येय की सिद्धि के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है, यह कथन किसका है? तो किसका है? ये जेड ए विक का है। अब दसवें नंबर प्रश्न देखते हैं, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय व भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है? पिफनर ने दी है। द नंबर हो जाएगा 11। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों एड प्लस मिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो वह हो जाएगा काम करवाना। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य प्रयोग में प्रशासन शब्द का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है मंत्रिमंडल अथवा कोई अन्य सर्वोच्च कार्यकारिणी, ज्ञान की एक शाखा अथवा शैक्षिक विद्या का नाम, सार्वजनिक नीति या नीतियों को लागू करने के लिए जा रही, चौथा प्रबंधन की कला। तो क्या हो जाएगा? सारे हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है, कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय, यह परिभाषा किसने दी है? तो वुड्रो विल्सन ने दी है। यह नंबर हो जाएगा, प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है, यह परिभाषा किसकी है? तो किसकी है? नुग्रो की है। 15 नंबर देखते हैं, प्रशासन का संबंध कार्यों करवाने से है, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने से, यह कथन किसका है? तो क्या हो जाएगा? यह कथन लूथर का है। उसके बाद 16 नंबर देखते हैं, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन की 5 प्रधान श्रेणियां उनमें शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या होगा? तो नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण, तो क्या है? सभी शामिल हैं इसमें, 5ों शामिल हैं। पोस्ट कोड है, ये एंट्री फ्यूल ही दिए थे पोस्ट कोड, तो ये हो गया। यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो वह मुख्य शासन के असफलता कारण हो, यह कथन किसका है? WV डानहम का है। लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं किंतु विज्ञान बन जाएगा, इस मान्यता के प्रति आश्वस्त कौन है? ये किसने कहा था? पिफनर ने कहा था। उसके बाद लोक प्रशासन को कला मानने वाला विद्वान कौन था? तो दो थे, विलोबी और आर्डव टीट थे। पोस्ट कोड में ओ का अर्थ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठित करना। ऑर्गेनाइज्ड, सीओ का अर्थ क्या होता है? पोस्ट कोड में क्रियात्मक अर्थ क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन, तो समन्वय करना हो जाएगा, द हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं,
पोस्ट कोड में बी का क्रियात्मक अर्थ क्या होता है, तो बी से क्या हो जाएगा, बजट बनाना हो जाएगा। बजट नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव इसलिए दे रहा हूँ कि बजट नहीं होगा, बजट बनाना हो जाएगा। आर का क्या अर्थ हो, क्रियात्मक अर्थ होगा पोस्ट कोड में, तो रिपोर्ट देना हो जाएगा। पोस्ट कोड में एस का क्रियात्मक अर्थ क्या हो जाएगा, तो सब कार्मिकों की व्यवस्था करना हो जाएगा। डी का क्या अर्थ होगा, तो डायरेक्शन निर्देश देना हो जाएगा, ब हो जाएगा पोस्ट कोड में। प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण यह मानता है कि क्या मानता है इसमें, तो ब नंबर, शासन में केवल उच्च प्रबंधकीय पदाधिकारी सम्मिलित हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में क्या है, उच्च प्रबंधन, तो ब नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 27 नंबर देखते हैं, प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण की मान्यता है, क्या मानता है, स नंबर है, प्रशासन में सभी कार्मिक सम्मिलित हैं। लोक प्रशासन पोस्ट कोड दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, लूथर बुलिक हैं। सी नंबर हो जाए। पोस्ट कोड पी का अर्थ क्या है, तो प्लानिंग है। लोक प्रशासन में समावेश है क्या है, ये राजस्व का संग्रहण, कानून एवं व्यवस्था का संग्रहण, डाक सेवा का संचालन, सभी हो जाएगा। इस दृष्टि को लोक कल्याणकारी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है, क्या हो जाएगा, आधुनिक दृष्टिकोण को। लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, यह विचार किस विद्वान का है, तो ये हो जाएगा माइनर का है। तो ये हो गए पार्ट टू, ये पार्ट वन पहले भी डाला था, उसको आप देख सकते हैं। तो लोक प्रशासन सब्जेक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग नए प्रशासन कभी नहीं पढ़े हैं उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँच सकता है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर रहेंगे JPSC मेंस में। तो इसके साथ धन्यवाद।